नेक्स्ट ही प्रोग्राम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, इस केस में जस्ट मैं डिस्कस क्या करना चाहता हूँ, जस्ट वो सारे के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले कराना जिनका फ्रीक्वेंसी कैसा है, आइदर लीस्ट और हाईएस्ट। मीन्स कैरेक्टर वी वांट टू डिस्प्ले विद लीस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। मीन्स जस्ट आपको याद हो प्रीवियस केस में मैंने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था, जिस केस में मैंने सभी मीन्स स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स का मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करा था, लेकिन इस केस में सभी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले न करा के ओनली फ्रीक्वेंसी किसका डिस्प्ले कराना है, जिसका फ्रीक्वेंसी या तो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम, आइदर लोएस्ट और हाईएस्ट। क्लियर? मीन्स लीस्ट फ्रीक्वेंसी की केस में बात करें तो लोएस्ट वैल्यू कितने परसेंट, ओनली वन कैरेक्टर। हाईएस्ट के केस में भी कैरेक्टर कितने परसेंट, ओनली वन कैरेक्टर। उस केस में आपको मीन्स जैसे ही फर्स्ट लीस्ट ऑकरेंस वाला कैरेक्टर मिलता है, फर्स्ट हाईएस्ट वाला मिलता है ना, इमीडिएटली उसके ऑकरेंस को डिस्प्ले कराएंगे। इन दैट केस, इस केस में जस्ट सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट बात करें, सी लैंग्वेज किस टाइप के कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, सी लैंग्वेज सपोर्ट्स एनसी कैरेक्टर सेट और वी कैन से ASCII कैरेक्टर सेट। ASCII कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंग सी लैंग्वेज के अंदर सी के कैरेक्टर सेट में 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है। मीन्स अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है, यानी इससे स्ट्रिंग के अंदर कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पॉसिबल, देयर मे बी चांस ऑफ 256। तो आप ऑकरेंस भी कितने कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में काउंट करा हुए चेक करो 256, लेकिन आपको आउट ऑफ 256 फाइंड आउट क्या करना है, विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अगर कोई भी कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ देन उसका फ्रीक्वेंसी काउंट हुआ जाए जीरो। इस केस में सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा, देन लॉजिक्स को मैं डिस्कस करूंगा बाय टेकिंग सम एग्जांपल। देन एग्जांपल्स के थ्रू लॉजिक से कंप्लीट करने के बाद अगर आप लॉजिक को प्रॉपरली कंसल्टेट करो देन आपके लिए सोर्स कोड इजी वे में राइट करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले इस केस में मैं स्ट्रिंग के अंदर 4 कैरेक्टर्स यूज करूंगा, जिससे मेरे लिए एग्जाम्पल ईजिली समझाना पॉसिबल हो। ओनली 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स है ए बी सी डी। मीन्स मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जो ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन से बने, बिकॉज क्योंकि इस केस में आपको ASCII वैल्यू को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ए का ASCII वैल्यू का 65, बी का ASCII वैल्यू का 66, 67 और 68। रीजन क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए अगर आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेशन सॉल्व किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई, रिस्पेक्ट टू ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स। इसलिए आपको इस केस में ASCII वैल्यू याद होना चाहिए। देन इन 4 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में स्ट्रिंग राइट डाउन करूंगा लाइक दैट, एड बैड और कैड लाइक दैट। इस केस में मैंने ओनली 4 कैरेक्टर्स यूज किए, ए बी सी डी, ए डी डी बी, ए डी सी ए डी। मीन्स कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज हुआ क्या, नहीं, जस्ट इस केस को कॉन्सल्टेट करना है। मीन्स अभी करेंटली मैंने स्ट्रिंग टाइप का सिलेक्ट किया है जिसके अंदर ओनली 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, लेकिन आपको ये लॉजिक से 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में राइट डाउन नहीं करना है। मीन्स लॉजिक इसके रिस्पेक्ट में राइट डाउन करो, देयर मे बी चांस ऑफ हैविंग 256 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या रहेगा, मीन्स इनपुट स्ट्रिंग को कीवर्ड से रीड करोगे, देन मैं ये ऑपरेशन यूजर डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म कराऊंगा। तो इस केस में इस फंक्शन के अंदर आप जस्ट पास क्या करोगे, मीन्स सपोज दैट मैंने इस केस में फंक्शन क्रिएट किया जाए फ्रीक्वेंसी काउंट, और जस्ट इस सिंगल फंक्शन के थ्रू मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले कराऊंगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले कराऊंगा। जस्ट फंक्शन का नेम यूज करा जाए सिंपल वे, जस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? देन इसके अंदर वो स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे स्ट्रिंग के लिए आपको फ्रीक्वेंसी काउंट कराना है, एनी स्ट्रिंग लाइक दैट। जब फंक्शन कॉल होगा तो फाइनली इस फंक्शन में इनपुट्स कितने पास होंगे, ओनली 1 इनपुट, प्लस इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना। इस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अगर आपने ऐड पास किया है या एक सेम स्ट्रिंग पास किया है इस केस में कंप्लीटली, तो इस केस में काउंट क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। इस केस में डिस्प्ले क्या कराएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मीन्स रिजल्ट इस केस में डिस्प्ले कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन इटसेल्फ। इसलिए फंक्शन से आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न कराने की नीड नहीं है, फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे जस्ट सिंपल एज वॉइड, वी आर यूजिंग फंक्शन नेम एज फ्रीक्वेंसी। जस्ट मैं इसका सिग्नेचर डिस्प्ले कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ अभी। आर्ग्यूमेंट टाइप क्या रिक्वायर्ड हुआ, कैर स्टार एरे ए और स्ट्रिंग ए लाइक दैट। देन इस जस्ट इस कोड को राइट डाउन करने से पहले लॉजिक एक बार कंस्ट्रक्ट करते, देन लॉजिक्स के बेसिस पर राइट डाउन क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग सोर्स कोड। फर्स्ट वन सबसे पहले मैं बात करूँ, इस केस में आपका जो भी स्ट्रिंग अवेलेबल है, इस स्ट्रिंग के लिए मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग के डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 9, प्लस ए स्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग ऑलवेज टर्मिनेट किससे होता है, नल कैरेक्टर। इस केस में स्ट्रिंग का टोटल साइज क्या होगा, 10 बाइट्स, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन मैं इनपुट में यूज कर रहा है गिवन स्ट्रिंग, मीन सेम स्ट्रिंग के लिए मैं काउंट कराऊंगा। फर्स्ट कैरेक्टर आऊंगा ए डी डी देन बैड बी ए डी देन कैड। आपको याद हो जस्ट मैंने जब ऑल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट कराया था उस केस में मैंने सेम एग्जांपल यूज किया था, मीन्स लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। अगेन मैं इस केस में प्रीवियस लॉजिक रिपीट करूंगा और प्रीवियस प्रोग्राम, जिससे आपके लिए कन्फ्यूजन हो, या आप इससे पहले प्रीवियस एग्जाम्पल वॉच कर सकते हो, देन आपके लिए कंटिन्यू करना पॉसिबल। फर्स्ट वन इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिस द स्ट्रिंग। सपोज दैट स्ट्रिंग पॉइंट किसके थ्रू रहा, पॉइंटर वेरिएबल ए, प्लस इंडेक्स को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल आई। मीन्स इस केस में लॉजिक के रिस्पेक्ट में बात करना है तो सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल लॉजिक क्या रिक्वायर्ड है आपको, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर्स। मीन्स जब तक आपको सभी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी पता नहीं होगा, देन आप कैसे फाइंड आउट करो किस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले आप प्रोग्रामेटिकली फाइंड आउट क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। क्लियर, करंट स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के बाद अगेन आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, सब मेमोरी स्पेस। इस केस में करंटली कितने कैरेक्टर हैं, 4 लाइक ए बी सी डी। तो इस केस में डायग्राम के अकॉर्डिंग ए के फ्रीक्वेंसी कितने फाउंड हो रहा है, 1, 2 एंड 3। बी के फ्रीक्वेंसी कितने फाउंड हो रहा है, 1 एंड 2। सी के कितने फ्रीक्वेंसी हैं, ओनली 1। डी के कितने फ्रीक्वेंसी है, 1, 2, 3। क्लियर, इस केस में इसे सबसे पहले सभी कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए यूज क्या करेंगे, सम वेरिएबल डिक्लेरेशंस। लेकिन इस केस में कितने कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट कराना आपको, जस्ट 4। लेकिन जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आपके पास ओनली 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स ही होंगे, मीन्स मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स कितने पॉसिबल, 256। देन डिफरेंट डिफरेंट मीन्स अगर आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम और लॉजिक सभी केस में वर्क करे, देन इसे फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए एरे डिक्लेयर करेंगे, प्लस इस फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में काउंट हो रहा है, इंटीजर्स के फॉर्म में, इसलिए एरे का टाइप क्या लोगे, इंटीजर टाइप, प्लस एरे का साइज क्या लेंगे, 256। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन आपको एक एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होगा। सबसे फर्स्ट रिक्वायर्ड किस क्या रहेगा, प्रोवाइडिंग एरे डिक्लेरेशन, प्लस एरे का टाइप क्या है, इंटीजर एरे। इस केस में जस्ट स्टोर क्या कराएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो फिर इसलिए एरे को मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूं एज अ एफसी, एफसी स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट। देन इसका साइज क्या रिक्वायर्ड है, जस्ट 256, क्योंकि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने पॉसिबल है, 256 अकॉर्डिंग टू ASCII कैरेक्टर सेट। वन मोर थिंग्स, सभी प्लेसेस पर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे एज अ 0, मीन्स किसी भी कैरेक्टर के अगर कोई कैरेक्टर फाउंड नहीं हो रहा है, देन बाय डिफॉल्ट इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ऑलवेज 0। अगर इस एरे में कोई एलिमेंट असाइन करो, देन बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ऑटो स्टोर क्लास डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज। अगर पार्शियल इनिशियलाइजेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एरे का एक भी एलिमेंट इनिशियलाइज होता है, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ, इस केस में 0। तो इस केस में जस्ट एक न्यू एरे क्रिएट होगा। फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या है, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। क्लियर, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को आपको स्टोर कराने की जरूरत होगी, तो फ्रीक्वेंसी को स्टोर किस प्लेस पर करा हुए, इन साइड एरे। तो इसे एरे का साइज क्या है, 256। तो इस केस में जस्ट एक और एरे क्रिएट हुआ है, इसे एरे के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने फाउंड हो रहे हैं, देर आर 256 एलिमेंट्स। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगर कैरेक्ट 256 से कैरेक्टर के रिस्पेक्ट बात करें तो देखिए ASCII वैल्यू का रेंज क्या हुआ, मीन्स फर्स्ट बिगिनिंग कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या हुआ, 0। नेक्स्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या हुआ, 1। नेक्स्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या हुआ, मे बी 65, 66। और लास्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या हुआ, 255। सेम है जैसे एरे के केस में बात करें तो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स क्रिएट होंगे, सभी एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें बेस्ड ऑन इंडेक्स। जैसे एरे का साइज 256 है, 256 साइज का डायग्राम क्रिएट करना पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। इसलिए मैं जो भी अनयूज्ड प्लेस है जिसको यूज नहीं करना चाहते उसको मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, सम अदर प्लेसेस, एंड सो ऑन। क्लियर, इस एरे के अंदर एरे का नेम क्या है, एफ सी। एफ सी स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट,
फर्स्ट एलिमेंट एरे के अंदर सभी एलिमेंट का डिफॉल्ट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू क्या असाइन किया जीरो, पर पार्शियल इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक भी एलिमेंट इनिशियलाइज किया था रिमेनिंग एलिमेंट्स का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा ऑल्सो जीरो। तो इस एरे के केस में सभी एलिमेंट का करेंट वैल्यू क्या है जीरो 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 एंड जीरो। वट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जीरो, वट इज द इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट वन, देन नेक्स्ट प्लेस। इस केस में इस प्लेस का मैं इंडेक्स काउंट कर रहा हूँ 65, देन नेक्स्ट प्लेस का इंडेक्स क्या हो 66, 65, 66 को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर सारी किए उनके आस्की वैल्यूज भी क्या 65, 66 मीन्स दैट रेंज। तो इन एलिमेंट्स के फ्रिक्वेंसीज को मैं करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू में मैनेज करूँगा 68, 69 एंड फाइनली लास्ट प्लेस का इंडेक्स क्या होगा 255। क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स जब भी इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर ए फाउंड हुआ देन ए के केस में ए का आस्की वैल्यू क्या 65, तो ए का फ्रीक्वेंसी किस प्लेस में मैनेज करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट एरे के अंदर 65 इंडेक्स में, क्योंकि मीन्स एलिमेंट का आस्की वैल्यू और एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू मीन्स ये दोनों कैसे मैनेज करो एग्जैक्टली सेम, जिससे आपके लिए बार बार इफ कंडीशन से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। अगेन वन मोर टाइम्स मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जब भी किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर करा हुए या काउंट करा हुआ फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर किस प्लेस पर किस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा उसका इंडेक्स क्या है। तो देन अगर इंडेक्स 65 है देन 65 इंडेक्स में किस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी मैनेज करेंगे उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी मैनेज करेंगे जिस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू 65 मीन्स ए। सेम है 66 प्लेस पर फ्रीक्वेंसी किसका स्टोर करा हुआ है बी का, 67 के केस में सी का, 68 के केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ डी फ्रीक्वेंसी ऑफ ई एंड सो ऑन। मीन्स जब भी कोई कैरेक्टर फाउंड होगा एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी किस प्लेस पर स्टोर कराएंगे उस इंडेक्स में स्टोर कराएंगे जिसका इंडेक्स वैल्यू कैरेक्टर के आस्की वैल्यूज के इक्वल है। क्लियर। जिससे आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन फाइनली मैंने एरे क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या था, जब सबसे पहले आपका जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी वैल्यू स्टोर कराने के लिए सेपरेटली इंटीजर एरे क्रिएट किया है। वैसे इंटीजर एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने 256। अगर वैसे यार अगर इसका साइज हमने 256 ही क्यों किया है क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिस्टिंक टाइप ऑफ कैरेक्टर कितने पॉसिबल 256। लेकिन जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे, इसलिए सभी कैरेक्टर्स का बाय डिफॉल्ट मैंने ऑकरेंस के अकाउंट किया है जीरो। अगर कोई कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है उसका फ्रीक्वेंसी के अकाउंट होगा जा जीरो, देन आपको जीरो के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना, ऑपरेशंस के लिए उसी के लिए परफॉर्म कराना जिसका फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या कैरेक्टर एटलीस्ट वन टाइम अपीयर हुआ है। वन मोर केस, इस केस में अगर ए के फ्रीक्वेंसी की बात करें ए का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, आई थिंक डी का भी फ्रीक्वेंसी क्या है ऑल्सो 3, तो इस केस में मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 3, लेकिन 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ए के लिए भी है डी के लिए भी। तो इस केस में जस्ट आपके पास टू चॉइस हैं, या तो आप दोनों ही वेरिएबल्स का दोनों ही कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करा लो या हाईएस्ट या लीस्ट उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी पहले डिस्प्ले कराएंगे जो फर्स्ट टाइम में सबसे पहले अपीयर हुआ है। तो इसके इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका काउंट करोगे ए का, क्योंकि ए डी से जस्ट पहले अपीयर हुआ है। क्लियर इन दैट एरे, इस एरे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, और इसके इसमें जस्ट आपको परफॉर्म के कारण जो भी कैरेक्टर एरे है कैरेक्टर एरे के सारे एलिमेंट वन बाई वन विजिट करोगे, तो वन बाई वन विजिट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ सम लूपिंग स्टेटमेंट, लूप को इटरेट कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल, इंडेक्स वेरिएबल आई। वन मोर थिंग्स, जब आप इसके इसमें एरे के अंदर लीस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू मैनेज कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ वेरिएबल एस मीन, मीन और मैक्स। मिन में क्या स्टोर कराएंगे उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कराओगे जिसका ऑकरेंस मिनिमम है, जिसका ऑकरेंस मैक्स में उसका फ्रीक्वेंसी किस में मैनेज करें मैक्स। फाइनली इस केस में 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट करनी नीड होगी। नेक्स्ट मीन्स लाइक दैट देयर आर 3 वेरिएबल्स आई आई मिन एंड मैक्स। नेक्स्ट वन, सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं इस लूप के थ्रू इस एरे के ऑल एलिमेंट विजिट करना है। तो एलिमेंट्स कितने हैं मीन्स जस्ट काउंट करने के यूज क्या करेंगे मीन्स इस लूप का मेन पर्पज क्या है काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स है सभी कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट कराना है। देन
ऑल कैरेक्टर्स को विजिट करने के लिए लूप जीरो से स्टार्ट करें, कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ आई में नल नहीं मिल जाता। जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल हो जाएगा, इसका मतलब क्या मिस, देर इज नो फर्दर कैरेक्टर इज अवेलेबल। इस लूप के अकॉर्डिंग लूप के अंदर जस्ट एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराएंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन आई का वैल्यू क्या जीरो, तो एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट होगा, ए जीरो, और ए जीरो में क्या फाउंड हो रहा है, कैरेक्टर ए। ए का आस्की वैल्यू क्या 65, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी काउंट में ए का फ्रीक्वेंसी किस प्लेस पर स्टोर करा हुआ, जिस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू 65 है, मींस दैट प्लेस। इसकी ऑलरेडी वैल्यू क्या है, जीरो, इसमें जस्ट वन से इंक्रीमेंट कराएं, तो वन से इंक्रीमेंट कराएं, इसे एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या हुआ, एरे नेम एंड इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू का 65, और 65 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, ए। यूज क्या कर सकते हैं, जस्ट ए। अगर आप डायरेक्टली ए राइट डाउन करो, देन एवरी टाइम फ्रीक्वेंसी ओनली ए के लिए काउंट होगा, ए के प्लेस पर वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल क्या है इस केस में, एरे नेम ए जीरो। मींस यहां ए ऑफ जीरो इटसेल्फ वर्क क्या करेगा, एज अ एक्स लाइक इंडेक्स टू द फ्रीक्वेंसी काउंट, क्लियर। इस प्लेस पर देन एवरी टाइम सिर्फ इंडेक्स वाले एलिमेंट की पोजिशन में वन से इंक्रीमेंट करा हुए, तो फाइनली इस लूप के अंदर राइट डाउन क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट एफ ऑफ सी, एफ सी, एफ सी क्या एरे नेम, देन ए ऑफ आई एंड प्लस प्लस। इस लूप का जस्ट पर्पज क्या है, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। इस जस्ट इसके लॉजिकल स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट वन डिक्लेयरिंग इंटीजर एरे विद कैपेसिटी 256, सेकेंड स्टेप काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट होने के बाद अवेलेबल किस में होगा, फ्रीक्वेंसी काउंट एरे में। अब फ्रीक्वेंसी काउंट एरे के अंदर आप सर्च क्या करोगे, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम ऑकरेंस, तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑकरेंस सर्च करने के लिए जस्ट आप लॉजिक अप्लाई करें, फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, क्लियर। एंड फाइनली उस करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या कराएंगे, रिजल्ट्स। दिस इज द स्टेप्स। नेक्स्ट वन, इन दैट केस, इस केस में जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, मीन्स जब एरे एग्जीक्यूट हो तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या साइन हो रहा है, जीरो। पहले मैं इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा हूँ, आई का वैल्यू क्या है जीरो, तो इस कंडीशन में क्या पास होगा, कंडीशन के प्लेस पर ए ऑफ जीरो, और ए ऑफ जीरो मीन्स इन प्लेस ऑफ कंडीशन, ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है, कैरेक्टर ए, मीन्स जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो। मीन्स फाइनली ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ आई में नल फाउंड नहीं हो जाता है, क्लियर। जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल होगा, देन लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, तो एवरी टाइम आप कॉन्सेंट्रेट किसको करोगे, बॉडी ऑफ लूप। फाइनली बॉडी कब तक एग्जीक्यूट हुआ, रिस्पेक्ट टू ईच कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम अपीयर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इस केस में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, आई का करेंट वैल्यू, और आई का करंट वैल्यू क्या है जीरो, देन रिप्लेस क्या करेंगे, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनर ब्रैकेट के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए जीरो, ए जीरो में फाउंड क्या हो रहा है, कैरेक्टर ए, देन अप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट किस एरे में हो रहा है, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे और इंटीजर एरे, इंटीजर एरे, लेकिन इंटीजर एरे के अंदर किस एलिमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इस केस में ए के प्लेस पर क्या पास हुआ, 65, जैसे एलिमेंट का इंडेक्स 65 है, उसमें जस्ट इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से। इंडेक्स 65 मीन दैट प्लेस, इसका एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है जीरो, जीरो प्लस वन होने के बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मीन्स होना भी चाहिए था क्योंकि ए का जस्ट फर्स्ट ऑकरेंस काउंट हो चुका है एच वन, ए अभी तक कितनी बार एपियर हो चुका है, मीन दैट प्लेस ऑन वर्ड्स, आई अभी किसको रिप्रेजेंट करा, दैट प्लेस, तो इसे प्लेस तक अभी तक रिमेनिंग, मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए का ऑकरेंस क्या है 1, और रिमेनिंग कैरेक्टर का अभी भी ऑकरेंस क्या है जीरो। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा, अगेन परफॉर्म क्या करा हुए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन आई, तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या होगी, 1। अगेन कंडीशन टेस्टिंग, ए ऑफ 1 में क्या है डी, डी इज नॉट जीरो, कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर जब बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, 1, और ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है, द वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1, कैरेक्टर डी, और द आस्की वैल्यू ऑफ डी, डी का आस्की वैल्यू क्या है जस्ट 68, तो इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ आस्की वैल्यू ऑफ डी 68, तो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस एलिमेंट में हुआ, जिसका इंडेक्स वैल्यू 68 है, तो 68 एलिमेंट का ऑलरेडी वैल्यू क्या है जीरो, जीरो में वन से इंक्रीमेंट कराओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए भी वन टाइम अपीयर हो चुका है और डी भी वन टाइम अपीयर हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन आई में इंक्रीमेंट हुआ, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लूप आई प्लस प्लस, बॉडी पार्ट के अंदर ओनली एक ही स्टेटमेंट है, क्लियर, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगा इस केस में, एस 2। नेक्स्ट वन अगेन आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, मीन्स ए ऑफ 2,
आई किसको रेफर करा, थर्ड एलिमेंट। ए ऑफ टू में क्या अगेन डी, डी के अकॉर्डिंग फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है, आई के प्लेस पर देन जब बॉडी एग्जीक्यूट हुआ उस प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ आई विच इज टू, और ए ऑफ टू में अगेन क्या फाउंड हो रहा है, डी। क्लियर, डी डी के रिस्पेक्ट में अगेन आस्क वैल्यू क्या 68, तो 68 एलिमेंट का अगेन फिर से वैल्यू इंक्रीज हो जाए 1 से, फ्रीक्वेंसी काउंट एरे के अंदर 68 इंडेक्स में वैल्यू क्या है 1, और 1 में अगेन इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, होना भी चाहिए था क्योंकि करेंटली इस प्लेस तक इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए का ऑक्रेंस क्या है 1 और डी का ऑक्रेंस क्या है जस्ट 2, मीन्स डी का ऑक्रेंस एरे के अंदर उस प्लेस पर मैनेज किया है अकॉर्डिंग टू आस्की वैल्यू ऑफ ए और अकॉर्डिंग टू आस्की वैल्यू ऑफ डी, मीन्स किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी किस प्लेस पर फाउंड हुआ डिपेंड करेगा उसका आस्की वैल्यू क्या है, जिससे आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब सर्च करो तो डायरेक्टली आस्की वैल्यू के बेस पर एलिमेंट डायरेक्टली फेच करना पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 3, अब नेक्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, देन अगेन थर्ड इंडेक्स में क्या बी, लूप का कंडीशन ट्रू है, देन बॉडी एग्जीक्यूट हुआ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे 3, और थर्ड इंडेक्स में एलिमेंट क्या है कैरेक्टर बी, बी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ आस्की वैल्यू ऑफ बी, और बी का आस्की वैल्यू क्या 66, तो नेक्स्ट टाइम किस एलिमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा एफ सी 66 और फ्रिक्वेंसी काउंट 66, और 66 का जब वैल्यू इंक्रीज होगा एग्जिस्टिंग वैल्यू 0 था तो नाउ इट विल बिकम्स 1, चेक करो बी का भी फ्रिक्वेंसी कितना काउंट हो रहा है 1, क्योंकि रिमेनिंग कैरेक्टर्स का फ्रिक्वेंसी अभी भी क्या है 0, नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इस प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर जस्ट काउंट क्या हुआ ए ऑफ 4 का वैल्यू, और ए ऑफ 4 में क्या फाउंड हो रहा है ए का आस्की वैल्यू क्या 65, तो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किसमें हुआ एफ सी 65 का एग्जिस्टिंग वैल्यू 1 है, 1 से इंक्रीमेंट कराएं तो इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी एस 2, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, देन फाउंड क्या हो रहा है ए ऑफ 5 में क्या फाउंड हो रहा है डी, तो डी का आस्की वैल्यू क्या 68, तो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किसमें हुआ 68 पोजीशन, क्योंकि इस प्लेस पर पास क्या हो रहा है 5 और 15 इंडेक्स में क्या है कैरेक्टर डी, एफ सी 68 का वैल्यू क्या है 2 में इंक्रीमेंट करा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अभी तक चेक कर सकते हो इस प्लेस तक डी के फ्रीक्वेंसी कितनी बार अपियर हुए 3 टाइम्स, इसलिए फ्रीक्वेंसी काउंट में करेस्पॉन्डिंग प्लेस पर वैल्यू भी क्या फाउंड हो रहा है ऑल्सो 3। क्लियर, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 में क्या फाउंड हो रहा है सी, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी किसका काउंट होगा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 होने केस में 7th इंडेक्स में क्या ए, तो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी किसका काउंट हुआ ए का, एग्जिस्टिंग वैल्यू 2 था न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 3, नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 7 के बाद न्यू वैल्यू क्या होगा 8, इस रिप्रेजेंट क्या करेगा बी, और बी फाउंड हो रहा बी का फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो इंक्रीमेंट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 2, मीन्स ओनली 4 कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने कैरेक्टर्स के लिए मैनेज हो रहा है ओनली 4 कैरेक्टर्स के लिए, रिमेनिंग प्लेसेस पर लूप में सॉरी एरे में अभी भी क्या फंड हो रहा है 0, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और 9 में क्या फंड हो रहा है नल, तो जैसे इस प्लेस पर नल फाउंड होगा इस लूप के अंदर कंडीशन में क्या पास हो रहा है ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई का वैल्यू क्या हो चुका है नल, नल मीन्स 0, जैसे लूप में 0 पास होगा कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स एंड कंट्रोल का आउटसाइड लूप, तो मीन्स फाइनली इस लूप को मैनेज करने का मेन पर्पज क्या था, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर एंड स्टोरिंग इनसाइड फ्रीक्वेंसी काउंट एरे एफ सी। क्लियर, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद अब नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या, अब आपके पास एरे के अंदर सभी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, अब आपको इस फ्रीक्वेंसी में से फाइंड आउट क्या करना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या एरे के अंदर 0, लेकिन 0 तो किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट कोई भी कैरेक्टर का वो 1 टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी के लिए उन्हीं के लिए काउंट करो जो कैरेक्टर्स अपीयर हुए, अगर कोई कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में अगर किसी में से जैसे एरे के अंदर जस्ट एरे के सारे एलिमेंट ट्रेवर्स करोगे, इसे एरे में से आपको फाइंड आउट क्या करना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बाय इग्नोरिंग 0, इस अगर किसी भी प्लेस पर 0 फाउंड हो रहा है उसका मतलब क्या है करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर अपीयर ही नहीं हुआ है, 0 वाले एलिमेंट को ऑलवेज इग्नोर कराएंगे, बस ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म करा हो जिसका ऑकरेंस नॉन जीरो। क्लियर, देन अगेन इस लूप को मैनेज करने के लिए सबसे मीन्स मेरे पास क्या है मिनिमम और मैक्स वेरियबल, मिनिमम और मैक्स वेरियबल में स्टोर क्या कराएंगे इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
कैरेक्टर में से जिस कैरेक्टर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उस कैरेक्टर का इंडेक्स किस प्लेस पर स्टोर कराओगे, मिन में, और जिस कैरेक्टर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर का इंडेक्स किस प्लेस पर निकल रहा है, इनसाइड वेरिएबल मैक्स। इनिशियल वैल्यू दोनों में क्या है, गार्बेज। तो इस केस में सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम फर्स्ट कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। अगर आप इस केस में अगर आप एफ सी जीरो जीरो डायरेक्टली सेंड कर देंगे, जीरो फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करें, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो, और जीरो कैसा है, इनवैलिड फ्रीक्वेंसी, मीन्स वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो सबसे पहले इसे एरे के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्लियर। या किसी भी कैरेक्टर का आप फ्रीक्वेंसी जस्ट खुद से काउंट कर सकते हो एज अ मिन और मैक्स। सबसे पहले मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू को असाइन, नॉन जीरो वैल्यू के इंडेक्स को किसमें कॉपी करा लें, मिन और मैक्स। मैं मीन्स इस केस में जस्ट लूप को विजिट कराओगे, लूप कहाँ से कहाँ से चलाना, जीरो टू 255। इस केस को भी ऑब्जर्व करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, फोर लूप। इस प्लेस को एज्यूम करना है इंडेक्स वैल्यू है जीरो एंड वन, स्पेस कम इसलिए मैं मैनेज करूँ, वैल्यूज क्या है, जीरो जीरो एंड डॉट डॉट। फर्स्ट वन लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, फोर लूप आई इक्वल्स टू जीरो, प्लस ये लूप कब तक चलाना है, जब तक आई का वैल्यू 255 से छोटा है इक्वल है, मीन्स व्हाइल आई लेस देन 256, एवरी टाइम परफॉर्म किया हुआ इंक्रीमेंट इन आई। अगेन यहाँ रखना है इस लूप को क्रिएट करने का, जस्ट उस लूप को राइट डाउन करने का पर्पज क्या है, मीन्स जस्ट मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, और इनिशियलाइज कैसे कराओगे, फर्स्ट नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी क्या फाउंड हो रहा है, थ्री, तो थ्री को मैं काउंट करूंगा, थ्री का इंडेक्स क्या है 65, थ्री का इंडेक्स क्या है 65, तो मिन में क्या आसान कराएंगे 65 65। सपोज डेट अगर ए एक ही बार ना आया होता तो ए का ऑक्रेंस क्या होता, जीरो, देन उसके इसमें आसान क्या होता, इस फर्स्ट आपको फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट का इंडेक्स आसान कराना, नथिंग एल्स। इस फर्स्ट एलिमेंट को मैं बाय डिफॉल्ट खुद से एज्यूम करके चल रहा हूँ, जिससे कैरेक्टर हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी एज वेल एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसे कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को रिमेनिंग कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन के साथ साथ उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैनेज करें इनसाइड वेरिएबल मिन और मैक्स वाई क्रिएटिंग गिवन लॉजिक्स। इस केस में जैसे लूप एग्जीक्यूट हुआ, लूप कब तक एग्जीक्यूट कराना है, वन मोर थिंग्स, जब तक आपको इसे एरे के अंदर नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिल जाता, मीन्स जैसे इस केस में नॉन जीरो वैल्यू आता है, इस केस में मैं कंडीशन प्रोवाइड करा इफ, कैसे एरे को काउंट करा एफ सी, इफ वैल्यू ऑफ एफ सी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर इसका वैल्यू जीरो नहीं है देन उस केस में जस्ट इस लूप को ब्रेक करा देंगे, क्लियर। चेक इट मीन से चेक कर, इस केस में लूप कब तक एग्जीक्यूट हो, फर्स्ट टाइम अगेन आई का री इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है, जीरो से, आई का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट टाइम उस प्लेस पर एफ कंडीशन में पास किया आई का वैल्यू जीरो, जीरो लेस देन 256, कंडीशन इज ट्रू, आई का इस प्लेस पर क्या पास होगा, जीरो। एफ सी ऑफ जीरो में क्या वैल्यू है, जीरो, देन जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। नेक्स्ट टाइम वन लेस देन 256 ट्रू, देन एफ सी ऑफ आई के प्लेस पर क्या आएगा, वन, और एफ सी वन में क्या है, अगेन जीरो, जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगेन कंडीशन ट्रू, मीन्स 65 के लेफ्ट पार्ट में सभी एलिमेंट का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस केस में सभी केस में कंडीशन कैसा हुआ, फॉल्स अप टू 64, जैसे ही आई का वैल्यू 65 हुआ, चेक इट, इस प्लेस पर कंडीशन क्या पास होगा, एफ सी ऑफ 65, और एफ सी ऑफ 65 में क्या, थ्री, थ्री के अकॉर्डिंग, देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या, थ्री, थ्री नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू, मीन्स इसका मतलब क्या, आपको फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फाउंड हो चुका है। देन इसके बाद एफ का बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक, ब्रेक से लूप टर्मिनेट हो जाएगा, देन इस केस में आप श्योर हो करेंटली जब कंट्रोल बाहर आएगा देन आई के पास क्या हुआ, आई के पास क्या हुआ, उसे एलिमेंट का इंडेक्स हुआ जिसका फर्स्ट मीन जिसका फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो, फर्स्ट एलिमेंट उसका इंडेक्स क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है, थ्री, इंडेक्स क्या है 65। तो लूप के बाहर मिन और मैक्स दोनों ही वेरिएबल्स को डायरेक्टली इनिशियलाइज किससे कराएंगे, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो ऑक्रेंस, इंडेक्स क्या इसका 65, अवेलेबल किसमें, वेरिएबल आई में, तो इसमें आसानी क्या करा देंगे, वैल्यू आई, देन आई का वैल्यू क्या है 65, तो मिन में क्या आसान हो जाएगा 65, और मैक्स में भी क्या आसान होगा ऑल्सो 65। मिन और मैक्स में जस्ट इंडेक्स मैनेज करेंगे ना कि वैल्यूज, इंडेक्स। नेक्स्ट वन अगेन इस लूप को फॉलो, लास्ट टाइम जहां टर्मिनेट हुआ उसी प्लेस से फिर से कंटिन्यू करेंगे, फोर नो इनिशियलाइजेशन, अगेन कंडीशन, कंडीशन क्या, सेम कंडीशन आई लेस देन
256 आई प्लस प्लस। फिर से याद रखना है डिफरेंट डिफरेंट लूप का पर्पज क्या है। फर्स्ट टाइम लूप को राइट डाउन करने का पर्पज क्या था, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। नेक्स्ट सेकेंड लूप का पर्पज क्या है, मीन्स फाइंड आउटिंग, मीन्स इस लूप के थ्रू जस्ट आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है जिसका ऑकरेंस नॉन जीरो से कैरेक्टर का ऑकरेंस फाइंड आउट किया है, और ऑकरेंस क्या थ्री, नॉन जीरो फाइंड आउट करना, थ्री है टू है वन है डजंट मैटर। मीन्स प्रीवियस सभी एलिमेंट का वैल्यू क्या था, जीरो, तो जीरो वाले जीरो फ्रिक्वेंसी वाले सारे के सारे एलिमेंट आप स्किप कराओगे। तो इस केस में जैसे ही आपको नॉन जीरो में वैल्यू मिला, इसे नॉन जीरो एलिमेंट का इंडेक्स आसानी किसमें करा दिया, मिन और मैक्स। मीन्स लूप को ब्रेक करने के बाद इस लूप की हेल्प से जस्ट मिन और मैक्स में प्रॉपर पोजिशन असाइन हो चुका है 65। नेक्स्ट वन, अगेन लास्ट टाइम ये लूप टर्मिनेट कम होता जब आई का वैल्यू 65 था, तो अगेन इस प्लेस पर आई का वैल्यू क्या कंपेयर हुआ, 65 लेस देन 256। मीन सेम प्लेस से अगेन लूप कंटिन्यू हुआ, लेकिन सेकंड टाइम सेम लूप का पर्पज क्या रहेगा। अभी मैंने मिन और मैक्स में 65 तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि मिन और मैक्स में मिन के अंदर जिस एलिमेंट का इंडेक्स अवेलेबल है वो एलिमेंट रियल में विद मिनिमम ऑकरेंस है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि 65th इंडेक्स वाला एलिमेंट मिनिमम टाइम से अपीयर हुआ, 65 इंडेक्स वाला एलिमेंट मैक्सिमम टाइप अपीयर हुआ। जस्ट मैंने इसको एज एज्यूम कर लिया, प्लस इस एलिमेंट के इंडेक्स को रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर कराएं, रिमेनिंग एलिमेंट्स के फ्रिक्वेंसी से कंपेयर कराएंगे, देन फाइनली जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा इसे लूप की हेल्प से आप मिन और मैक्स में मैनेज करोगे। तो इस केस में वन मोर थिंग्स, अगर नेक्स्ट टाइम फ्रिक्वेंसी अगेन क्या मिल सकता है आपको, जीरो, तो अगर जीरो फ्रिक्वेंसी मिला देन उस केस में जीरो फ्रिक्वेंसी वाला इंडेक्स ना ही मिन में असाइन करना है ना ही मैक्स में असाइन करना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगा लूप के अंदर, इफ फ्रिक्वेंसी काउंट ऑफ आई, अगर फ्रिक्वेंसी काउंट ऑफ आई का वैल्यू अगर जीरो है देन उस केस में आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखना है विदाउट एग्जीक्यूटिंग रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप। देन रिमेनिंग पार्ट को स्किप कराने के लिए यूज क्या करोगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब भी एफ सी ऑफ आई में जीरो फाउंड होगा देन चांस किसको लिया, कंटिन्यू को, कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस, क्लियर। नेक्स्ट वन, दूसरा केस क्या है, इफ अगर ए ऑफ आई का वैल्यू, सॉरी नॉट ए ऑफ आई, एफ सी ऑफ आई, क्योंकि लूप किसके लिए मैनेज हो रहा, फ्रीक्वेंसी काउंट एरे के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी काउंट एरे के अंदर आई थ इंडेक्स का वैल्यू, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ आई थ एलिमेंट, अगर इसका वैल्यू जो एग्जिस्टिंग मिन है, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ मिन अगर इससे छोटा है देन ये कंडीशन कैसा हुआ, ट्रू। इस मिन क्या है, एग्जिस्टिंग मिनिमम इंडेक्स, और आई क्या, करेंट इंडेक्स। अगर करेंट इंडेक्स का एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिन इंडेक्स वाले एलिमेंट से कम है देन इसका मतलब मिनिमम ऑकरेंस किसका है, मिन का और आई का, आई का। तो मिन में न्यू वैल्यू क्या असाइन कराएंगे, इसके अकॉर्डिंग मिन इक्वल्स टू आई, सेम एज मीन्स फाइनली आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मिनिमम इंडेक्स और मैक्सिमम इंडेक्स ऑकरेंसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन किसके लिए अप्लाई करोगे, एफ सेम कंडीशन फोर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ आई ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ एग्जिस्टिंग मैक्स, पर आई थे इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टिंग मैक्स से एलिमेंट के इंडेक्स से ज़्यादा है देन उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, टू। देन इसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट किसमें करा हुए, सॉरी आई किस में असाइन करा हुए, मैक्स वेरिएबल, मैक्स इक्वल्स टू आई, देन क्लोजिंग दिस फोर लूप। इस लूप के केस में टोटल थ्री इफ कंडीशंस हैं, इसको अगेन मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ। लास्ट टाइम आई का वैल्यू क्या था, 65, मेन और मैक्स में भी कैसा हुआ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ऑल्सो 65। नेक्स्ट वन, जब ये लूप एग्जीक्यूट हो कंडीशन इज ट्रू, 65 लेस देन 256 कंडीशन इज ट्रू, लूप का कंडीशन ट्रू देन फर्स्ट इफ कंडीशन टेस्ट हो, फर्स्ट इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ सी मीन्स एफ सी ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या 65 इक्वल इक्वल जीरो, तो एफ सी ऑफ 65 में जीरो फाउंड हुआ है क्या, नहीं, क्या इसका वैल्यू जस्ट थ्री इक्वल इक्वल जीरो। इसे इफ कंडीशन कैसा, फॉल्स, मीन्स इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग के फोर केस में कंडीशन फॉल्स होगा, लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 69 होगा देन फाउंड क्या होगा, जीरो। तो जीरो केस 69 के केस में कोई एलिमेंट या इस टाइप का कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में फाउंड ही नहीं हुआ था, तो आपको ना ही मिन चेक करना ना ही मैक्स चेक करना, इसलिए कंटिन्यू मैंने प्रोवाइड किया, इसलिए कंट्रोल कांस्टेंट होगा आई प्लस प्लस, क्लियर। दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट वन, मीन से कंडीशन अभी सभी केस में फॉल्स है, तो आप सेकेंड और थर्ड कंडीशन को कंसोलिडेट करोगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, एफ सी ऑफ आई, एफ सी ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है 65, क्लियर।
ना आप चाहो तो स्पेस पर जस्ट परफॉर्म क्या करा सकते हो, आई ऑलरेडी मिन मैक्स में साइन कर चुके हैं, राइट डाउन क्या कर सकते हो आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 66। अगर आप आई प्लस प्लस नहीं करा दें 65 इंडेक्स का एलिमेंट 65 से ही कंपेयर हुआ, नहीं ये कंपेरिजन मीनिंगलेस है, इसलिए फर्स्ट टाइम आई प्लस प्लस का लिया तो आई का वैल्यू क्या 66, तो एफ सी ऑफ आई के प्लेस पर क्या 66, कंडीशन लेस देन एफ सी ऑफ मिन, एफ सी ऑफ मिन में मिन का वैल्यू क्या 65, चेक करो एफ सी ऑफ 66 में क्या स्टोर है वैल्यू एज 2, एफ सी ऑफ 65 में क्या स्टोर है वैल्यू इज 3, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू। वैसे मिन के अंदर मैंने उस एलिमेंट को एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी मिनिमम काउंट किया था जिसका आस्की वैल्यू 65 है, लेकिन रियल में 65 पे क्या स्टोर है ए, 65 क्या है जस्ट ए, और ए का फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका सी का क्या है 1, तो इसलिए कंडीशन कैसा है ट्रू, कंडीशन ट्रू है ना, इसका मतलब क्या है इस केस में मिनिमम इंडेक्स किसके पास है, मिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट का इंडेक्स किसके पास है मिन के पास है आई के पास, आई के पास, क्योंकि इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ था आई, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ था मिन, मिन के केस में मिन इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 65 वाले एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो 3 क्या है नॉट अ मिनिमम, लेकिन दोनों ही केसेस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या 3 और 2, 2 और 2 के केस में इंडेक्स वैल्यू क्या 66 और 66 किसके पास है आई के पास, इसलिए मिनिमम में क्या साइन हो जाएगा न्यू वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू 66 है इसलिए मिनिमम क्या साइन हुआ 66, मीन्स मिन के अंदर उस एलिमेंट का इंडेक्स मैनेज करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है अप टू करंट कंपेरिजन, और मैक्सिमम के अंदर उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी मैनेज करो जिसका फ्रीक्वेंसी क्या मैक्सिमम अप टू करंट कंपेरिजन करंट वैल्यू ऑफ आई, क्लियर। नेक्स्ट वन सेकंड कंडीशन टेस्ट को मैक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ सी ऑफ आई अगेन सेम केस ही है क्योंकि फर्स्ट टाइम दोनों के वैल्यू कैसे हैं सेम, मैक्स का वैल्यू भी क्या 65, मीन्स ये दोनों कंडीशन कैसे थे सेम, तो एफ सी ऑफ आई में क्या फाउंड हो रहा है एफ सी ऑफ आई में 66 और 66 में क्या है 3, देन अगेन सेम कंडीशन, लेकिन इस केस में ऑपरेटर कौन सा लेस देन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर कौन सा, सॉरी एफ सी ऑफ आई का वैल्यू क्या था जस्ट उन्होंने प्रीवियस केस में मिस्टेक किया गया 65, इस केस में जस्ट बात करें एफ सी ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या 66 और एफ सी ऑफ 66 में क्या 2, मैंने मिस्टेक किया है, इस प्लेस पर क्या आएगा 2 और इस प्लेस पर क्या है 3, तो ये कंडीशन कैसा फॉल्स, फॉल्स है मैक्सिमम से दोनों में से कौन सा ऑक्रेंस मैक्सिमम 3, और 3 का इंडेक्स क्या 65, 65 ऑलरेडी मैक्स में अवेलेबल है इसलिए कंडीशन फॉल्स है, इसलिए मैक्स में कोई न्यू वैल्यू साइन नहीं हुआ, क्लियर। नेक्स्ट टाइम जस्ट परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन आई, आई प्लस प्लस हुआ तो आई की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 66 के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद न्यू वैल्यू क्या हुआ 67, तो 67 के केस में 67 मीन्स दैट एलिमेंट, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मीस इन दोनों के केस में मिनिमम वैल्यू क्या था 2, 2 किसके पास है 2 का इंडेक्स किसके पास है मिन के पास, और इन दोनों में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या 3, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स क्या 65 जो कि अवेलेबल किसके पास है मैक्स के पास, मैक्स किसको होल्ड करेगा उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इंडेक्स वैल्यू होल्ड करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, और मिन किसको होल्ड कर रहा है मिन उस कैरेक्टर के इंडेक्स को मैनेज करेगा और इस कैरेक्टर के आस्की वैल्यू को स्टोर करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होने से आई का वैल्यू क्या है 1, आई का वैल्यू 1 होने के इसमें अगेन सॉरी आई का वैल्यू क्या है 67, नाउ 67 लेस देन 256, फॉर लूप का कंडीशन अगेन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है फिर से इफ बॉडी एग्जीक्यूट हो तो ये कंडीशन अभी कैसा है फॉल्स, फॉल्स है तो कंटिन्यू को चांस मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि एफ सी ऑफ आई में क्या फंड हो रहा है 1, आई का वैल्यू क्या 67 और 67 इंडेक्स में क्या 1, 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज फॉल्स, इसका मतलब क्या अगेन जो करंट कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी कैसा नॉन जीरो। नेक्स्ट वन सेकंड इफ कंडीशन टेस्ट होगा, तो सेकंड इफ कंडीशन में क्या है जस्ट एफ सी ऑफ आई लेस देन एफ सी ऑफ मिन, इस केस में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या है आई थिंक 67 और मिन का वैल्यू क्या है, मिन का वैल्यू क्या है 66, तो इस केस में कंपेरिजन किसका हुआ जस्ट 67 और 66, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो मिन में क्या साइन होना चाहिए 1 का इंडेक्स, और 1 का इंडेक्स क्या है 67, चेक करो कंडीशन में से एफ सी 67 के प्लेस पर 67 वाले इंडेक्स का एलिमेंट रिप्लेस करोगे 1 और एफ सी 66 में क्या स्टोर है 2, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू इसका मतलब क्या है दोनों में से मिनिमम ऑक्रेंस किसका है
66 वाले एलिमेंट का और 67 वाले एलिमेंट का, 67 एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के अकॉर्डिंग मिन में क्या आसान हो जाएगा, न्यू वैल्यू ऑफ आई, और आई का वैल्यू क्या 67, इसलिए मिन का वैल्यू क्या हुआ 67। याद रखना थ्रू आउट दिस एग्जीक्यूशन मैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैक्स में ऑलरेडी मैक्सिमम ऑकरेंस अवेलेबल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में मैक्सिमम ऑकरेंस क्या 3, और 3 सबसे पहले किसके लिए आया, ए के लिए, तो आप काउंट किसके लिए करो, ए के लिए, मीन्स लेफ्ट टू राइट से इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराओगे, मीन्स अगर टू डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मिनिमम फ्रीक्वेंसी या सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देन उस केस में फर्स्ट ऑकरेंस वाले को मैं कंसिडर कर लूंगा जब मिनिमम और मैक्सिमम, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर। नेक्स्ट वन, अगेन आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई में सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन में जस्ट क्या आएगा, कंडीशन सेम ही है इस प्लेस पर, मिन के प्लेस पर क्या आएगा मैक्स का वैल्यू, मिन के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट मैक्स, ऑपरेटर लेस देन के प्लेस पर क्या है ग्रेटर देन, तो आई का वैल्यू तो 67 ही, लेकिन मैक्स का वैल्यू क्या है 65, तो इस प्लेस पर कंपेरिजन किससे हो 65, 67 में क्या स्टोर है 1, 67 में क्या स्टोर है 1, ऑपरेटर कौन सा है ग्रेटर देन, और 65 में क्या स्टोर है 3, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है, तो उसका मतलब मैक्स में चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैक्स के पास ऑलरेडी मैक्सिमम ऑकरेंस वाले एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल है, देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 के केस में, अगेन कंडीशन कैसा ट्रू है, इफ कंडीशन कैसा फॉल्स, देन फर्स्ट इफ ये कैसा है फॉल्स, चेक कर सकते हो आई का वैल्यू क्या है, या ऑपरेटर कौन सा है ग्रेटर देन, फर्स्ट इफ कंडीशन टेस्ट कर रहा हूँ, मीन्स ऑलमोस्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका, लेस देन एफ सी ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या 68, इसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ना ही मिन में कोई चेंज होगा ना ही मैक्स में कोई चेंज होगा, एफ 68 और मिन का वैल्यू क्या है 67, तो इस प्लेस पर लेस देन क्या आएगा 67, मीन्स वैल्यू ऑफ मिन, मिन का वैल्यू क्या है 67, देन एफ ऑफ 68 में क्या स्टोर है 3, लेस देन एफ ऑफ 67 क्या स्टोर है 1, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है, देन मिन में आपको कोई वैल्यू चेंज करने की जरूरत है क्या नहीं, क्योंकि मिन इन दोनों में से मिनिमम ऑकरेंस क्या था 1 और 1 का इंडेक्स क्या 67, जो कि ऑलरेडी मिन के पास अवेलेबल है, क्लियर मीन्स, देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट करें, सेकेंड कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या आएगा सेम, लेकिन इस प्लेस पर क्या आएगा मैक्स, और मैक्स का वैल्यू क्या 65, ऑपरेटर कौन सा है नेक्स्ट टाइम ग्रेटर देन, 68 में क्या स्टोर है 3, 65 में भी क्या है ऑल्सो 3, 3 ग्रेटर देन 3 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है, देन आपको कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्स के पास ऑलरेडी मैक्सिमम ऑकरेंस वाला इंडेक्स अवेलेबल है, देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 69, जैसे ही आई के लिए 69 होगा फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है, स्पेस पर क्या आएगा 69, और चेक कर सकते हो एफ सी ऑफ 69 में क्या है वैल्यू इज 0, 0 तो स्पेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ 0, कंडीशन क्या 0 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट से कंट्रोल में जाएगा आई प्लस प्लस, क्योंकि जब इसका फ्रिक्वेंसी 0 तो आपको ना ही मिनिमम चेक करने की जरूरत है ना ही मैक्सिमम, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, इसका रिमेनिंग सभी कैरेक्टर का फ्रिक्वेंसी 0, तो एवरी टाइम इफ कंडीशन ट्रू रहेगा तो एवरी टाइम चांस भी किसको मिलेगा कंटिन्यू को चांस मिलेगा, देन रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, प्लस कब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 256 नहीं हो जाता है, किसी पर्टिकुलर केस में जैसे ही आई का वैल्यू 256 होगा देन फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, जैसे ही कंट्रोल लूप के बॉडी के पास एंड होगा देन आपको मिस इस प्लेस पर स्पेस नहीं है, सेम प्रोग्राम इस प्लेस से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट टाइम जस्ट नेक्स्ट केस में लूप के बाद आपको डिस्प्ले क्या करा रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूजिंग प्रिंट एप, नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप के थ्रू मैं जस्ट डिस्प्ले क्या करा रहा हूँ मिनिमम, फर्स्ट केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पहले मैं कैरेक्टर डिस्प्ले कराऊंगा परसेंट सी के थ्रू, देन करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू, इसको मैं नीचे मैनेज कर रहा हूँ, बड़े तक मीन सब आपको आई तो रिक्वायर्ड ही नहीं, वैल्यू किसका रिक्वायर्ड मिन और मैक्स, तो करेंटली मिन का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है वैल्यू ऑफ मिन इज 67, मैक्स का वैल्यू क्या है 65। इस पर्टिकुलर केस में तो सबसे पहले अगर इसको चेंज कर लें तो फर्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले करा मिनिमम परसेंट सी परसेंट डी, परसेंट सी के प्लेस पर वो कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इनमें से किसका है वन किसका, वन के अकॉर्डिंग इंडेक्स क्या 67, और 67 किसका आज की वैल्यू सी का, तो इस प्लेस पर क्या होना चाहिए सी,
लेकिन ये वैल्यू अवेलेबल किसके पास है, चेक इट, इसे प्लेस पर जस्ट डिस्प्ले क्या करा लेंगे फर्स्ट केस में, कैरेक्टर्स किस में स्टोर है, एफ सी एरे में और एरे ए में, एरे ए में, लेकिन इसका इंडेक्स में क्या पास करोगे, जस्ट वैल्यू ऑफ मिन, देन मिन इटसेल्फ। जैसे ये फर्स्ट प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट प्रिंट एफ के थ्रू जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, मिन, देन स्पेस परसेंट सी के प्लेस पर क्या आएगा, ए ऑफ मिन, मिन का वैल्यू क्या 67, तो स्पेस पर पास क्या हो रहा है, ए ऑफ 67 और ए ऑफ, सॉरी यहां मिस्टेक किया क्या मैंने, हाँ इस प्लेस पर जस्ट डिस्प्ले क्या कराएंगे, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर मिन इटसेल्फ क्या है, कैरेक्टर। दूसरे केस में क्या होगा, एफ सी ऑफ मिन, अब चेक करते हैं अगेन, मिन, मिन के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, जस्ट वैल्यू ऑफ मिन विच इज 67, अगेन एफ सी ऑफ 67, एफ सी ऑफ 67, क्लियर। तो फर्स्ट 67 किसके को रिप्लेस करेगा, परसेंट सी को, तो परसेंट सी से वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा जिसका आस्की वैल्यू 67 और 67 किसका आस्की वैल्यू है, कैपिटल सी, तो परसेंट सी के प्लेस पर क्या जाएगा, कैपिटल सी। देन एफ सी ऑफ 67, एफ सी एरे के अंदर 67 में क्या स्टोर है, 1, तो स्पेस पर क्या पास होगा, 1, 1 इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कराने यूज किया गया परसेंट डी, तो स्पेस पर क्या जाएगा, 1, क्या आएगा स्पेस पर, करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज 1, सी का फ्रीक्वेंसी मिनिमम था विच इज 1। नेक्स्ट केस में क्या डिस्प्ले कराना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले कराने के लिए अगेन प्रिंट एफ का यूज करेंगे, प्रिंट एफ, लाइन चेंज करना तो यूज क्या कर सकते हो, स्लैश एन, देन नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पहले मैं कैरेक्टर डिस्प्ले कराऊंगा देन करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो इस केस में डिस्प्ले क्या कराएंगे, मैक्स कॉमा फ्रीक्वेंसी काउंट इंडेक्स ऑफ मैक्स, मैक्स के प्लेस पर मैक्स का वैल्यू क्या रिप्लेस होगा, 65, एंड अगेन एफ सी ऑफ 65, एफ सी ऑफ 65 के प्लेस पर एफ सी ऑफ 65 का वैल्यू डिस्प्ले होगा, 65 का वैल्यू क्या है, 3, तो इस प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट 3, और 65 डिस्प्ले किस हो रहा है, परसेंट सी से, तो डिस्प्ले क्या होगा, कैरेक्टर वैल्यू, इससे सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट लाइन में मैक्स परसेंट सी के प्लेस पर वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा, इसका आस्की वैल्यू 65 विच इज कैपिटल ए। नेक्स्ट में स्पेस पास क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या पास हुआ, 3, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, 3। तो इस टाइप से गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग के लिए मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। देन क्लोजिंग दिस फ्रीक्वेंसी फंक्शन, फाइनली फंक्शन मैंने क्लोज कर दिया, देन इसको अगर टेस्ट करना है तो आप यूज क्या करोगे, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में राइट डाउन क्या करेंगे, वॉइड मेन के अंदर सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करोगे, कैरेक्टर एरे विद रिक्वायर्ड साइज, कैरेक्टर एरे इज विद 100। देन नेक्स्ट केस क्या रहेगा, रीडिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट का वैल्यू रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, गेट्स, ये स्ट्रिंग को कीवर्ड से रीड कराने के बाद जस्ट इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी फंक्शन कॉल होगा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन के अंदर उसे एरे का नेम पास करोगे या स्ट्रिंग का नेम पास करो, जिसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले कराना है, सफिशियंट है, क्लियर। मीन्स अगर आपको सपोज दैट किसी प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू रूम है, इस केस मैंने दोनों ही लॉजिक कंप्लीट कराए विद लोएस्ट और हाईएस्ट, हो सकता है आपको एट ए टाइम ओनली लीस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए बोला जाए, हो सकता है आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए बोला जाए, देन उस केस में लीस्ट से रिलेटेड सारे लोग, मीन्स अगर आपको लीस्ट के लिए चेक करना है तो ओनली एक ही वेरिएबल क्रिएट करोगे, मिन, मैक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं, और मैक्स से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करो, मीन्स इस ऑपरेशन को स्किप करा देंगे। सेम है अगर आपको ओनली मैक्स के लिए मैनेज करना है, देन मिन वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, देन ऑपरेशन मीन्स ओनली किसके लिए परफॉर्म हो रहे हैं, मैक्स के लिए, तो देन उस केस में सेकेंड डिफ रिमूव करा दोगे, क्लियर। ये सेम प्रोग्राम के थ्रू मिन और मैक्स दोनों ही फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले करा सकते हो, और ओनली मिन और ओनली मैक्स दोनों केस पॉसिबल है।